वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम होमो सैपियंस की बात करेंगे, और जो कि वर्तमान मानव है और रेफरेंस रहेगा एवोल्यूशन। ठीक है, दिस क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 12th क्लास। और इस पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है और ये बहुत आवश्यक होता है। तो आज की सीरीज की मोटिवेशन में हम आपको एक बुक रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, जो आपको पढ़नी चाहिए, आपके लिए और हम सभी के लिए काफी मददगार साबित होती है और प्रेरित करती है। इस बुक का नाम है, बेसिकली एक नॉवल टाइप्स है और काफी अच्छा है, दी सेवन स्पिरिचुअल सक्सेस ऑफ माय लाइफ बाय प्रीति सेनॉय। ये मेरी खुद बहुत फेवरेट बुक में से एक है और मैंने इसे पढ़ा है, आज से लगभग 6-7 साल पहले पढ़ा हुआ है। तो मुझे बुक का शौक है, तो मुझे लगता है कि ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए और काफी प्रेरित करने वाली बुक है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का बेटा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, बहुत ही फैमिलियर है हमें इस से, एवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, और एवोल्यूशन में हम लोग अब कहां तक पहुंच गए, ह्यूमन एवोल्यूशन तक, राइट। ठीक है, जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन में पहुंच चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी, हमने डायोपिथिकस, रामापिथिकस, ठीक, इरेक्टस, ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, उसके बाद हमने बहुत और क्रोमेकोगोन भी पढ़ा, निरंथर भी पढ़ा, तो कई सारे पढ़े। अब लास्ट जो बचा है, जो वर्तमान मानव है, हमें पढ़ना है उसके बारे में, डेट इज द होमो सैपियंस। चलिए, तो पहले इसका नाम होमो सैपियंस था, सब लोग को याद होगा अगर, ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे होमो सैपियंस, ठीक है। लेकिन अब इसका जो नाम है होमो सैपियंस, सैपियंस हो गया है, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि इनके सोचने, समझने, तर्क की क्षमता में क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, राइट, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इनकी क्या कहते हैं, इनकी स्पेसीज जो होमो सैपियंस है, इसको होमो सैपियंस सैपियंस कर गया है। तो सोचने की, तर्क की, और इनकी जो सीसी है इसमें भी डेवलपमेंट हुआ। जब सीसी में डेवलपमेंट होगा, तो जब भी सीसी में डेवलप होता है, आप देखिएगा क्रेनियल कैपेसिटी में जब जब डेवलपमेंट हुआ है, तो आपसे शुरुआत से देखिए डायपिथिकस से लेकर के आप यहाँ आ जाइए ऑस्ट्रेलोपिथेसिन तक या क्रोमेकोन मानव तक आ जाइए, आप देखेंगे जितनी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है उतने ज्यादा इनमें क्या हो रहा है कि स्पीच सेंटर्स बन रहे हैं, है ना, स्पीच सेंटर के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, मुर्दों को दफना रहे हैं, ठीक, उनमें पूजा करने की प्रवृत्ति आ रही है, तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं। तो इसलिए होमो सैपियंस सैपियंस का नाम रखा गया, जो आज का वर्तमान मानव है, यानी कि प्रेजेंट मैन है, दिस इज द प्रेजेंट मैन, जूलॉजिकल नेम ऑफ इज अ होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक, अगर हम इसके फंडामेंटल कैरेक्टर की बात करें, लेकिन फंडामेंटल कैरेक्टर को बात करने से पहले आपको एविडेंसेस भी बताना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, और एविडेंसेस तो इसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एविडेंसेस तो इसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग पिछहत्तर हजार से 10,000 वर्ष पूर्व पहले, ठीक, 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि हिम युग से होमो सैपियंस या आज के मानव का, आधुनिक मानव का, मॉडर्न ह्यूमन का विकास हुआ था, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, ठीक, उसके बाद बताएंगे 18,000 वर्ष पूर्व
ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम याद रखिएगा। 18,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इन्होंने प्रागैतिहासिक या प्रीहिस्टोरिक गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफाओं में बेटा गुफाओं में चित्रों को बनाया था, चित्रकारियों को प्रदर्शित किया था, चित्रकारी को प्रदर्शित किया, चित्रों को बनाया बेटा, एक ही बात है ठीक है, प्रदर्शित किया ठीक है, तो परेशान मत होना ठीक। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, लगभग बेटा 10,000 वर्ष पूर्व, कितने 10,000 वर्ष पूर्व, ये सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है। 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया था। किन्होंने किया था? होमो सैपियंस ने खेती करना प्रारंभ किया था। तो इतनी मोटी मोटी बात तो आप लोग याद रखोगे, इतनी फंडामेंटल फैक्ट आप लोग याद रखोगे ठीक, याद रखना। और क्वेश्चन इसमें बेटा बहुत पूछे जाते हैं ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं ठीक। तो 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था बेटा मेरे? खेती का प्रारंभ किया गया था। आपसे पूछा जाएगा खेती का प्रारंभ किसने किया था, तो आप रखाएंगे आधुनिक मानव, जूलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सैपियंस सैपियंस। तो एक फंडामेंटल फैक्ट की बात करें तो फंडामेंटल फैक्ट ऑफ होमो सैपियंस बेटा मेरे, अगर हम इसके फंडामेंटल फैक्ट की बात करें तो बेटा आराम से समझिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अगर हम इसके फंडामेंटल फैक्ट की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है देखिए, जो होमो सैपियंस थे ये क्या करते थे बेटा, ये इनकी जो माथा और ठोड़ी क्या थी, माथा जो था वो कैसा था? छोटा। ठोड़ी क्या थी? उपस्थित थी ठीक है। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि माथा बहुत चौड़ा था ठीक है, और ठोड़ी क्या थी? अनुपस्थित थी। लेकिन मॉडर्न मैन में ये सारी चीजें डेवलप हो गई थी। आगे बढ़े, अगर हम आगे की बात करें तो देखिए होमो सैपियंस जो थे इनमें ये था कि ये जो थे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाले थे ठीक। अगर हम इसके आगे की बात करें तो देखिए कैसे क्या होता है, ये सबसे पहले कौन? होमो सैपियंस सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। कहाँ पाए गए? अफ्रीका में पाए गए। और अफ्रीका से क्या हुआ, इनका विस्तृतीकरण हुआ, ओरिएंटेशन हुआ हर जगह ठीक है, ओरिएंटेशन हुआ, बात याद रखेंगे इतनी ठीक। तो अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए थे, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले पाए गए थे, और अफ्रीका महाद्वीप से इनका चारों तरफ क्या हो गया, विस्तृतीकरण हो गया ठीक। जो होमो सैपियंस हैं बेटा, इनके आप याद रखेंगे कि ये जो कैरेक्टर हैं इसमें सब पाए जाएंगे। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि सर्वाहारी होते। कैसे होते बेटा? सर्वाहारी। कैसे होते? सर्वाहारी यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं ठीक। होमो सैपियंस जो कैसा है? मॉडर्न ह्यूमन या मैन कहें, बात एक ही, घबराना मत ठीक। मॉडर्न ह्यूमन की अगर हम बात करें, इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो आएगा ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, अभी प्रोसेसिंग चल रही है ठीक है, प्रोसेसिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, निरंतर ये प्रोसेसिंग डेवलपमेंट की हो रही है। तो वो होगा आने वाले समय में ह्यूमंस
फ्यूचेरिस या ह्यूमन सेपियंस फ्यूचेरिस, ठीक है, दोनों नाम होते हैं, ह्यूमन फ्यूचेरिस या ह्यूमन सेपियंस फ्यूचेरिस, ठीक है, डेवलप होगा, क्या होगा, डेवलप होगा। जब ये डेवलप होगा यानी कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन है अभी इसका विकास चल रहा है और ये विकास निरंतर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और एक निश्चित समय और उत्परिवर्तन के बाद इसमें कुछ चेंजमेंट होगा। और चेंजमेंट कैसे होता है मैं आपको बता दूं, जैसे इसे करेक्टर समझे तो आप ज्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा अगर इसे करेक्टर समझे, देखो करेक्टर में क्या आपको बताएगा कि इसकी जो फोर डिजिट है, सॉरी इसकी जो फिफ्थ डिजिट है, किस कौन सी डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है, ठीक है, हैंड की, वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट का मतलब समझते हैं, विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी फिफ्थ डिजिट है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, यानी कि ये जो है विलुप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने जब अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग पढ़ा था तो उसमें कहा था जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जो हम कम अंग प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्टिजल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो फाइव डिजिट क्या हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली सी बात है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ऐसे वेस्टिजल हो जाएगी। और देखिए देखिए अब एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ गई है जो मैंने अपनी क्लासेस में बताई थी, मुझे अचानक से दिमाग में आ गया। स्पाइरो एक साइंटिस्ट है, कहां, अमेरिका के, कहां के हैं, अमेरिका के। उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया है, बताया है कि जो ह्यूमन फ्यूचरिस्ट होगा उसकी फाइव डिजीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और जो ब्रेन होगा ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, फिजिक्यू है इसकी, वो कैसी हो जाएगी, वो कुछ कोनिकल हो जाएगी। कैसी हो, कोनिकल यानी कि कुछ त्रिकोण की आकर की, समझ रहे, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। और इनकी डिजिट क्या होंगी, एक्सटिंक्ट होंगी, ठीक, ना कि सिर्फ हैंड की, फुट की भी, लेग की भी क्या होंगी, एक्सटिंक्ट होंगी, क्या होंगी, एक्सटिंक्ट होंगी। सोचे कैसा लगेगा वो मानव, ह्यूमन फ्यूचरिस, ठीक, एलियन जैसी फीलिंग आएगी इसको देख करके, ठीक। तो ह्यूमन फ्यूचरिस के बारे में याद रखना कि फिफ्थ डिजिट एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ब्रेन उसका जो फिजिकली हो जाएगा कोनिकल लाइक हो जाएगा। वैज्ञानिक जो थे वो स्पाइरो थे, कहां के थे, अमेरिका के थे, ठीक। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो होता है कि होमो सैपियंस अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए थे और यह चारों तरफ इसका ओरिएंटेशन हो गया, हो गए, फैल गए, विकसित हो गए, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, ये सब आप ही के लिए है, इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन। तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। Thanks to all my students to watch this video.